जितेंद्र सिंह जी, रिपुन बोरा जी, भूपेश बघेल जी, सेकिया जी, हमारे कैंडिडेट्स रेकुबुद्दीन अहमद जी, नंदिता दास जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मुझे याद है जब मैं दीपांजल दास के परिवार से मिलने आया था, एक युवा को बिना कोई कारण असम की सरकार ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने शहीद करा था। दीपांजल दास सिर्फ एक युवा नहीं था, दीपांजल दास एक सोच थी, एक इतिहास था। दीपांजल दास सचमुच में असम था। मुझे उस दिन लगा था कि एक युवा पर नहीं गोली चलाई गई, पूरे प्रदेश पर, असम पर गोली चलाई गई और असम की हत्या करने की कोशिश की गई थी। मैं यहां दीपांजल दास से शुरू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए यह सबसे जरूरी बात है। इससे जरूरी बात है ही नहीं। दीपांजल दास असम का एक युवा था जो बीजेपी की सरकार ने करना था वो उन्होंने नहीं किया। जो दीपांजल दास के लिए बीजेपी सरकार को करना था, जिस प्रकार का रोजगार उसको देना था वो उन्होंने नहीं दिया। और जब दीपांजल दास असम के लिए शांति से खड़ा हुआ, तब आरएसएस बीजेपी ने उसको गोली मारकर शहीद किया। हमने 5 गारंटी दी हैं। पहली गारंटी, जो उस युवा का सपना था, पहली गारंटी कहती है कि हम असम में सीएए को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। जिस चीज के लिए दीपांजल दास ने अपनी जान दी, उसको हम असम में कभी नहीं होने देंगे, सवाल ही नहीं उठता। दीपांजल जैसे असम में लाखों युवा हैं। आज असम में उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता। बीजेपी रोजगार देने की कोशिश नहीं करती, इन युवाओं की मदद करने की कोशिश नहीं करती, इन युवाओं को सपना पूरा नहीं करने देती, उल्टा असम पर आक्रमण करती है। सीएए असम पर आक्रमण है। यह सिर्फ एक कानून नहीं है, यह आपके इतिहास पे
आपकी हिस्ट्री पे, आपकी भाषा पर, आपके भाईचारे पर आक्रमण है, इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। दूसरी गारंटी कहती है कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, आपके जेब में से पैसा निकाला, जीएसटी लागू की, आपके जेब में से पैसा निकाला, अब ये नए 3 कानून लाए हैं, कृषि के कानून पूरे कृषि के सिस्टम को नष्ट कर रहे हैं। जो किसानों का है वो उनके जेब में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नोटबंदी, जीएसटी, किसान के कानून में उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला, आपके जेब में पैसा बीजेपी ने कब डाला? कभी डाला है आपके जेब में पैसा? एक रुपया दिया है आपको? नहीं। जो छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस असम को रोजगार देते थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू करके, नोटबंदी करके खत्म कर दिया। और आज असम में यह हालत है कि असम के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, इसलिए हमने यह गारंटी दी है। हम गारंटी करके कह रहे हैं कि हम सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं देंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को एक बार फिर चालू कर देंगे। कैसे करेंगे? आपको पैसा देकर 2000 रुपए हर महीने हम असम के हर हाउसवाइफ को देंगे, महिला समान 200 यूनिट फ्री बिजली के हम हर परिवार को असम में देंगे। और ये जो हमने 5 गारंटी करी है, ये खोखले शब्द नहीं है। आपको याद होगा कि बीजेपी ने कहा था कि जो हमारे चाय के वर्कर्स हैं उनको 351 रुपीज वो देंगे। खोखला वायदा किया, झूठ बोला। अब देखिए, यहां पे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव में ऐसी ही मीटिंग में मैंने वायदा किया था कि अगर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाती है तो किसानों का कर्जा कांग्रेस पार्टी करके दिखा देगी। मैंने कहा कि धान के लिए छत्तीसगढ़ में 2000 रुपए दिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने 6 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया था। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी, दिल्ली में किसान आए और उन्होंने हमसे कहा, देखिए हमारा कर्जा माफ कीजिए। हमने 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ कर दिया था, 10 दिन नहीं लगे थे। हम यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आए हैं। मेरा नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। आपको झूठ सुनना है असम के बारे में, किसानों के बारे में, किसी के बारे में झूठ सुनना है, टीवी ऑन करो, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखो और जितना सुनना है सुन लो। 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को झूठ बोलते हैं। सच्चाई सुननी है
तो यहां आओ, हमारी बात सुनो। चाय बागा चाय गार्डन के जो वर्कर्स हैं अच्छी तरह सुन लीजिए, 365 रुपए आपको मजदूरी का चुनाव के बाद मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो ये हमारी पांच गारंटी हैं। अब देखिए इस मीटिंग में अलग अलग लोग आए हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग सोच के लोग, अलग धर्म के लोग सब आए हैं, अलग जात के लोग, और सब शांति से प्यार से बात सुन रहे हैं, एक साथ खड़े हैं। इसको मैं असम कहता हूं, यह असम है। बीजेपी असम के एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाती है, जहां भी वो जाते हैं एक मिनट लगता है नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, आग लगाते हैं, और फिर जो आपका है वो उठा के ले जाते हैं, किसी और को दे देते हैं। टी गार्डन्स बाहर के लोगों को दे दिए, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बाहर के लोगों को दे देते हैं, आपको लड़ाते हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, हमारी सरकार आएगी तो असम असम को चलाएगा, असम को किसी और प्रदेश से, नागपुर से, दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा, असम को असम के लोग चलाएंगे। और जो असम के लोगों के हित में है वो चीफ मिनिस्टर करेगा। ये जो पांच गारंटियां हम लाए हैं, ये हम आपसे बातचीत करके लाए हैं, ये बंद कमरे में हमने नहीं तैयार की, हम आपके पास आए, टी गार्डन्स के जो वर्कर हैं उनके पास गए, युवाओं के पास गए, महिलाओं के पास गए, और हमने आपसे पूछा बताओ मां ज्योत की सरकार आएगी हमें क्या करना चाहिए, और आपने हमें ये पांच चीजें बोली। आपने कहा सबसे पहले ये सीएए को लागू नहीं करना, आपने कहा कि युवाओं को रोजगार दिलवाना है, चाय गार्डन के वर्कर्स ने हमें कहा 365 रुपए आप हमें दीजिए, आम लोगों ने हमें कहा 200 यूनिट बिजली हर परिवार को दीजिए, और हमारी बहनों ने हमें कहा कि हमें सम्मान दीजिए 2000 रुपए महीने का दीजिए, और हमने आपकी बात मानी है। वैसे ही हमारा चीफ मिनिस्टर काम करेगा, आपके बीच में आकर आपसे गले लगकर आपकी बात सुनकर जो आप ऑर्डर दोगे वो हमारा चीफ मिनिस्टर करेगा, असम की आवाज को सुनेगा और असम से असम को चलाएगा। यहां हमारे दो कैंडिडेट्स हैं, आइए रिकुबुद्दीन जी और मैडम दास जी, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और इनको तो आप अच्छी तरह जानते हो, आपके लिए काम करते हैं, इनको आप भारी बहुमत से जिताइए और असम में
महाजोत की सरकार लाइए। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके कैंडिडेट ने मुझे बताया कि यहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट बनना था, साउथ कामरोक बोको और चायगांव का एक डिस्ट्रिक्ट बनना था, और हमने ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को बीजेपी ने कैंसिल किया। छठी गारंटी आपके लिए, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये आपका डिस्ट्रिक्ट आपके लिए बन जाएगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।